हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर डीप वाटर, फ्लेमिंगो बुक, ग्रेड 12 से। शुरुआत में ऑथर के बारे में। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन मिनेसोटा। विलियम डगलस जो है उनकी पैदाइश मेन में हुई थी, मिनेसोटा जगह में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 इयर्स टीचिंग इन हाई स्कूल इन याकीमा। जब उन्होंने अपनी बीए की डिग्री जो है ले ली इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, फिर उन्होंने जो है 2 साल याकीमा में जो हाई स्कूल था वहां पर टीचिंग के तौर पे ज्वाइन किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। पर बहुत ज्यादा उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं जनरेट हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि वो अपना आगे जो कैरियर है वो लीगल प्रैक्टिस में बिताना चाहेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। अब उनकी मुलाकात जो है येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई। वहां वो उनके सलाहकार और एक तरह से प्रेसिडेंट के दोस्त बन गए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। डगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे जो इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 इयर्स एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। अब तक के जो कोर्ट का इतिहास रहा है उसमें विलियम जो डगलस थे इनका जो सर्विस पीरियड है वो सबसे लंबा था, लगभग 36 इयर्स का। और उनका रिटायरमेंट जो है वो 1975 में हुआ था। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ ओमैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो हमारी स्टोरी है इसमें ये जो छोटा सा हम पार्ट ले रहे हैं ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का है, जो विलियम ओ डगलस द्वारा ही लिखी गई है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल। इसमें ये बताया गया है कि जब विलियम डगलस यंग बॉय थे तो वो किस तरह से स्विमिंग पूल में डूब रहे थे। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। अब इस एसे में ये बताया जा रहा है कि जब वो पानी में डूब रहे थे तो उनके मन में एक जो घबराहट थी, जो डर था, वो कैसे बैठ गया था, साथ ही साथ फिर उन्होंने उस डर से अपने आप को कैसे उभारा। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ फियर। अब यहाँ इन्होंने जो डर के बारे में बात बताई है वो उन्होंने अपना ही एक उदाहरण दिया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि उनको किस तरह से वो डूब रहे थे और उस वक्त उनको क्या फीलिंग्स हो रही थी। स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। ये उस समय की बात है जब मैं 10 या 11 साल की उम्र का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने सोचा क्यों ना मैं तैरना सीखूं। देयर वाज अ पूल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये जो स्विमिंग सीखने का मौका है ये मुझे दिया YMCA ने जो याकीमा में था, वहां उसमें एक पूल था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जबकि जो याकीमा नदी थी वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। जो मेरी मदर थी वो मेरे को हमेशा सचेत करती रहती थी और हमेशा मेरे को इस बात को याद दिलाती रहती थी कि नदी के पास नहीं जाना है क्योंकि वहां पर नदी का बहाव ऐसा है कि उसमें बहुत लोग डूब चुके हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। पर ये जो YMCA का पूल था ये काफी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। अब आपने अगर पूल देखा हो तो पूल में एक साइड जो है कम गहरा होता है और दूसरी साइड ज्यादा गहरा होता है। तो जिस साइड कम गहराई थी वहां सिर्फ 2 या 3 feet गहरा था, लेकिन जो while it was 9 feet at the other, the drop was gradual, यानी कि अब जो दूसरी तरफ जो उनका ढलान थी वो लगभग 9 feet की थी और वो काफी गहराई थी। I got a pair of water wings and went to the pool. अब मैंने जो है अपने लिए जो स्विमिंग के लिए मेरे को floats चाहिए होते हैं वो मैंने ले लिए और मैं पूल की तरफ चल पड़ा। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. अब जो मैंने स्विमिंग ड्रेस पहनी हुई थी उसमें मेरी सारी जो बॉडी थी या मेरे स्किनी लेग्स थे वो दिखाई दे रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बट आई सब्ड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। पर मैंने जो है उस चैलेंज को छोड़ा और मैं जो हूँ पूल की तरफ चल पड़ा। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वॉटर व्हेन आई वाज अवेयर। शुरुआत से ही मेरे को पानी को लेकर एक थोड़ी सी लाइट उतनी नहीं थी, मतलब मैं पानी को देख कर इतना ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं था, मुझे नफरत ही थी पानी से। पर जब मैं उसके अंदर था तब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. अब क्यों मेरे को पानी से इतना ज्यादा लगाव नहीं था या मुझे उससे इतना ज्यादा नहीं लाइकिंग थी, वो रीजन ये था कि जब मैं 3 या 4 साल छोटा था तब मेरे फादर जो है मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पे लेके गए थे। He and I stood together in the surf. मैं और मेरे पापा जो है
दोनों के दोनों जो है उस लहरों में खड़े हो गए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनके ऊपर ही था लेकिन जैसे उनको पकड़े हुए ही खड़ा था लेकिन वेव्स ने आके मेरे को ऐसे जोर से धक्का दिया कि जैसा लगा जैसे पूरा का पूरा पानी मेरे ऊपर आ गया है। आई वॉज बरीड इन वॉटर और मैं ऐसा लगा था जैसे बिल्कुल पानी के अंदर दब गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन मेरी सांस बिल्कुल रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेड और मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। फादर तो मेरे हंस रहे थे मुझे देख के लेकिन मेरे दिल में जो डर था वो ऐसा बैठ गया था कि जैसे जो वे लहरें हैं उनका जो फोर्स था वो मेरे ऊपर इतना तेज आया था कि मैं घबरा गया और एक डर सा मेरे मन में लहरों को लेकर बैठ गया था। माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब जब मैं ये YMCA स्विमिंग पूल में आया तो मुझे जैसे जो मेरी पुरानी अच्छी यादें नहीं थी पानी को लेके वो एक तरह से फिर से ताजा हो गई और जो मेरा बचपन का जो डर था वो फिर मेरे माइंड में घूमने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस पर कुछ ही देर में मैंने अपनी हिम्मत पूरी जुटा ली। आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय ईपिंग देम। अब मैंने जो अपने मेरे नए वाले वाटर विंग्स थे उससे पैर चलाने की कोशिश करी और लड़कों को देखा और फिर उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करी। आई डिड दिस टू और थ्री टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। अभी पूरे हफ्ते में अलग अलग दिन जो है दो या तीन बार मैं जो हूँ इस तरह से कर रहा था और मेरे को जो है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन बाद में मेरे को पानी में आराम आने लग गया था। मतलब मुझे पानी से थोड़ा कम डर लग रहा था लेकिन तभी अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिससे अगेन मेरे मन में फिर से फियर डेवलप हो गया पानी को लेके। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ? I went to the pool when no one else was there. मैं जब पूल पे गया उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet. जगह बिल्कुल शांत थी। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. पानी बिल्कुल ऐसा शांत सा था, रुका हुआ लग रहा था और जो नीचे जो स्विमिंग पूल की टाइल्स हैं, वो भी मेरे को बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई दे रही थी और इतनी साफ जैसे कि बिल्कुल बाथटब होता है। I was timid about going in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. अब मेरे को पानी में अकेले जाने में घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं जो हूँ साइड में बैठ गया पूल के और औरों का इंतजार करने लगा। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. अभी मेरे को आए हुए वहां पर बहुत देर नहीं हुई थी तभी वहां पर एक बड़ा सा जो है लड़का आ गया जो लगभग 18 साल की उम्र का लग रहा था। He had thick hair on his chest और उसके जो चेस्ट थे उस पर काफी बड़े बड़े बाल भी थे। He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. वो जो आदमी आया था एक तरह से आदमी कह सकते हैं 18 साल का लड़का था लेकिन वो फिजिकली इतना ज्यादा बिल्टअप था कि उसके जो आर्म्स और लेग्स हैं वो भी काफी मस्कुलर लग रहे थे। He yelled, "Hi skinny, how do you like to be dug?" वो जो है चिल्ला के बोला और भाई skinny, skinny क्योंकि मैं बहुत पतला दुबला था इसलिए उन्होंने मेरे को इस तरह से बोला कि और पानी में डूबना पसंद करोगे। With that he picked me up and tossed me into the deep end. और बस बोलते ही उसने मेरे को जो उठाया और जो गहरा एंड था उधर की तरफ मेरे को पानी में उछाल दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब मैं जिस पोजीशन में बैठा हुआ था उसी से जैसे मेरे को कोई धक्का दे दे या फेंक दे उठा के अंदर पानी के तो मैं जैसे ही पोजीशन में था वैसे ही अंदर चला गया और पानी मेरे मुंह में जा रहा था। मैं पानी पी गया और साथ ही साथ नीचे की तरफ जाता जा रहा था। I was frightened but not yet frightened out of my wits. मेरे को डर भी लग रहा था पर मेरे को जो है डरना भी नहीं था क्योंकि मेरे को अपने आप को बचाना था। On the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. अब मैं जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा था मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जैसे ही मैं बॉटम को मेरे पैर टच करेंगे मैं बहुत जोर से उछाल लूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा और बिल्कुल फ्लैट उस पर होके दोबारा एज तक जो पूल की है उस पर वहां पर मैं तैर तक पहुंच जाऊंगा, मतलब तैरूंगा और वहां कोने तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन पर जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे बहुत लंबा दिख रहा था वो रास्ता। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst. अब वो जो भाई जिसको डूबना या कह सकते हो आप जब तैरना सीख रहे हो अभी तैरना नया नया आता है और या पूरी तरह से नहीं आता अचानक से आप इतने गहरे पानी में गिर जाओगे तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी उस टाइम पे।
तो वो जो 9 फीट की गहराई थी वो उनको लगभग 90 फीट की दिख रही थी, इतना ज्यादा गहरा लग रहा था। और इससे पहले कि उनकी पैर जो थी वो टाइल्स पर टकराते नीचे बॉटम से, उनके जो लंग्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। बट इससे पहले कि मेरे जो पैर थे वो जैसे ही बॉटम से टकराते, मैंने अपनी पूरी शक्ति जमा कर ली थी ताकि मैं जो हूँ बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे ऊपर की तरफ उछल जाऊंगा। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मैंने बिल्कुल ये सोच रखा था जैसे सर्फ जो कॉर्क होती है जैसे एकदम से उछल के सर्फेस की तरफ आती है, रिबाउंस होती है, वैसे ही मैं करूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर मैं जो हूँ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज एंड saw nothing but water। अब मैं जैसे जैसे ऊपर आ रहा था मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ पानी। Water that had a dirty yellow tinge in it। एक ऐसा पानी जिसमें हल्का सा येलोइश सा कलर आ रहा था। I grew panicky। अब तो मेरे को जो है और ज्यादा घबराहट बढ़ गई। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only a water। मैं बार बार ऊपर आके ऐसे कोशिश कर रहा था जैसे मानो मैं रस्सी पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी। I was suffocating। मेरा तो जैसे अंदर suffocation बढ़ता चला जा रहा था, घुट रहा था दम। I tried to yell, but no sound came out। चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth। इतने में मेरी जो आंखें थी और नाक वो तो पानी से बाहर आ गई थी, लेकिन मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था।